हेलो हेलो हेलो, हासिलपुर में सबसे पहली टोयोटा क्रोला क्रॉस 1.8X इज अवेलेबल राइट नाउ। वाइट कलर में गाड़ी ये भी अवेलेबल हुई है और अभी एक और स्टॉक ब्लैक कलर का भी अवेलेबल हो जाएगा आने वाले दिनों के अंदर। सो आज आपको इसका एक छोटा सा रिव्यू कराएंगे, वॉक रन कराएंगे, रोड टेस्ट कराएंगे, हर चीज़ एक एक फीचर एक्सप्लेन किया जाएगा। फिलहाल गाड़ी की थोड़ी सी स्वाइफाई हो रही है और फिर इसके बाद इसका पूरा माहौल बनाएंगे। और ये देखें चाबी, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अहमद रामे, वेलकम टू रामे जोन। कैसे हैं आप लोग? सो आज मेरे पास है द ब्रांड न्यू टोयोटा क्रोला क्रॉस इलेक्ट्रिक हाइब्रिड 1.8X फुल ऑप्शन है ये, और आज मैं इसको रिव्यू करूंगा आप लोगों के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका एक्सटीरियर सारा एक्सप्लोर करेंगे। स्टार्ट करते हैं प्यारी सी हेडलाइट से, और जनाब ये ऑटो बाइजिनॉन हेडलैम्प्स हैं टोयोटा क्रॉस की। यहाँ पे इन्होंने बैजिंग भी दी हुई है, उसी के साथ फ्रंट पे ये इसकी ग्रिल है जो कि थोड़ी सी ग्रेश टच के अंदर है। ठीक, फ्रंट पे पार्किंग सेंसर्स दोनों साइडों पे दिए हुए हैं, नीचे फॉग लाइट्स हैं और बॉडी कलर का लिपर है। ये है गाड़ी का फ्रंट। अगर हम एक्सप्लोर करते जाएँ तो इसके ये व्हील्स हैं जो कि 17 इंचज़ के हैं, और उसके साथ GTR के टायर्स हैं, और फेंडर पे हाइब्रिड की बैजिंग है। अलोंग विद दैट हमें डोर पे साइड मिरर के साथ ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम भी मिल रहा है, और उसी के साथ ये पूरा ये एरोडायनामिक शेप है ना, ये बहुत खूबसूरत है। ये कर्व्स, जस्ट चेक द वाइब। इनकी तरफ अगर देखते जाएँ तो यहाँ पे हमें ऑटो रेड सेंसिंग वाइपर का सेंसर मिलता है, वाइपर्स हैं, सनरूफ विद रूफ रेल्स। ये जो एक्स वेरिएंट है फुल ऑप्शन, उसके अंदर ब्लैक रूफ रेल्स मिलते हैं, दूसरे वाले में नहीं है। यहाँ पे टोयोटा क्रॉस की बैजिंग दी हुई है जो कि गाड़ी की लुक को बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस करती है, एज यू कैन सी। यहीं से अगर हम देखते जाएं तो ये गाड़ी की बैक टेल लैम्प्स हैं जो कि ऊपर ब्लैक के कॉम्बिनेशन के साथ हैं, और उसी के साथ नीचे 1.8X हाइब्रिड की बैजिंग है। एंड दिस इज़ द कार यार, लुक फर्स्ट फ्रंट की तो बहुत ही ज़्यादा स्पोर्टी लगती है, बैक से कितनी लिफ्टेड गाड़ी लगती है ना, ऊंची है। इसलिए मुझे इसकी बैक से शेप बहुत ज़्यादा पसंद आई है, बिकॉज देखें आपके इंडिकेटर्स भी ऊंचे हैं, बहुत सारी गाड़ियों में नीचे दिए जाते हैं जो कि कभी कभी ट्रैफिक ब्लॉकेज में नहीं नज़र आते, तो ये विजिबिलिटी के लिहाज से बहुत अच्छे हैं। इसी के साथ इसका ये एक फ़ीचर है जो कि किक सेंसर के साथ ट्रंक ओपन होती है। अगर आपके पास रिमोट है, गाड़ी अनलॉक है, आपने सिर्फ ऐसे करना है एंड देन जादू। और ये गाड़ी का बूट स्पेस है जो कि बहुत ही ज़्यादा एम्पल है, और उसी के साथ ये इसका स्पेयर टायर है और सारी टूल किट है। जस्ट चेक दिस आउट। और यहाँ पे भी वैसे ऑटो का बटन है, बट हम ऐसे ही करेंगे, और ये देखें ये क्लोज हो गई। गाड़ी का 1.8 लीटर इंजन है जो कि 4th जनरेशन हाइब्रिड इंजन है टोयोटा का। यहाँ पे हाइब्रिड का बैज भी लगा हुआ है, ये इसकी हाइब्रिड मोटर है, ड्राई बैटरी है, एंड दिस इज़ द फुल लुक। और बेहतरीन नीट इंजन और वर्ल्ड वाइड इसकी एफिशिएंसी को भी माना जाता है। तो लेट्स गेट इनटू द कार। ये टेरा रोसा लेदर है, बेहतरीन फिनिशिंग है इस गाड़ी की। आप कलर चेक कर सकते हैं कि ना ये बहुत ज़्यादा बरगंडी है और ना ये बहुत ज़्यादा ब्राउन है, ये ज़रा मिक्सा शेड है। सो मोस्टली लोगों को ये शेड पसंद आएगा, बिकॉज कई लोग कलर कंट्रास्ट को देखते हैं। ए रूफ लाइनर इसका ब्लैक है, सनरूफ इसके अंदर दिया हुआ है, सनरूफ के कंट्रोल्स यहाँ पे हैं, ब्लाइंड स्पॉट मोनिटरिंग जो है वो ऑटोमेटिक है, इलेक्ट्रॉनिक मिरर है हमारे पास। गाड़ी में बैठते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डोर क्लोज, आप सुन नहीं सकते होंगे कि कितनी साउंडलेस, मतलब रोड नॉइज कुछ भी नहीं आ रहा, बाहर से कोई शोर ही नहीं है, इतना क्वाइट माहौल हो गया। यहाँ पे इसका पावर बटन है, एंड हेलो टू द साइलेंट स्टार्ट ऑफ टोयोटा क्रोला क्रॉस। नाइस,
डोर से स्टार्ट करते हैं। सारे विंडोज ऑटो पावर्ड हैं, डोर लॉक एंड अनलॉक सिस्टम है, विंडो के लॉक सिस्टम्स हैं, ऑटोमेटिक साइड मिरर्स के कंट्रोल्स हैं और इसी के साथ रिट्रैक्टेबल साइड मिरर्स के कंट्रोल्स हैं। इसी के साथ यहाँ पे ऑटो लेवलिंग का, लाइट ऑटो लेवलिंग का फंक्शन है और नीचे बूट ओपनर का है। ये गाड़ी का स्टीयरिंग है। ओके, सो दिस इज अ स्टीयरिंग एंड ट्रस्ट मी, मैं आपको सिर्फ ये करके दिखा रहा हूँ, ये इतना स्मूथ है, इतना स्मूथ है कि जैसे अब लिटरली जैसा जापानीज गाड़ी से फील आती है ना, कि इतना सॉफ्ट है। बैटरी आप देख सकते हैं, मैं अभी गाड़ी ड्राइव करके लेके आया हूँ तो बैटरी के सेल काफ़ी बुरे हैं और इस वक्त गाड़ी ईवी मोड पे स्टार्ट है। ये 7 इंच का इसका TFT है, ये बाकी नीडल्स जो हैं वो एनालॉग हैं और ये इसका हीट गेज है, ये फ्यूल गेज है और यहाँ पे इसका हाइब्रिड सिस्टम की चार्जिंग एंड अनचार्जिंग का सिस्टम है, जो कि आप इन बटन से इन सब चीज़ों को कंट्रोल भी कर सकते। कमिंग टू द डिस्प्ले, इसके अंदर अभी एप्पल कारप्ले वायरलेस चल रहा है बिकॉज वो मेरे मोबाइल के साथ लिंक था और मैं अभी आपको ऑडियो नहीं सुना सकता बिकॉज कॉपीराइट आ जाता है। सो इसके अंदर ये सारा इसका सिस्टम है, एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो वायरलेस है इसके अंदर। ये एप्स हैं, अभी मैंने इसको एक्सप्लोर करना और यहाँ से आप अगर देख सकें तो व्हीकल इन्फो अगर हम इसकी ओपन करते हैं तो इसके अंदर ट्रिप कंजम्पशन, पास्ट रिकॉर्ड्स, एनर्जी फ्लो, रेंज आपकी जितनी फ्यूल की रहती है वो भी दिखाती है। अभी अगर आप एनर्जी फ्लो देखें तो बैटरीज के ऊपर गाड़ी स्टार्ट है, बाकी हर चीज़ चुप है। जैसे हम गाड़ी को ड्राइव करेंगे मैं आपको दिखाऊंगा ये कैसे जो है सिस्टम सारा वर्क करता है और कैसे बैटरीज को पावर सप्लाई करता है और कैसे इंजन की तरफ जाता है। नीचे हमारा ड्यूअल क्लाइमेट कंट्रोल है जो कि इस वक्त मैंने थोड़ा सा एसी चलाया हुआ है। यकीन माने बाहर बेशक ठंड बहुत ज़्यादा है लेकिन मुझे हबस महसूस हो रही थी तो मैंने एसी चला लिया और एसी की थ्रो बेहतरीन है। इसी के साथ नीचे हमारे ड्राइविंग मोड्स हैं जो कि इको है, नॉर्मल है और पावर है, ठीक है। आप इसी के साथ इन मोड्स को चेंज कर सकते हैं। उसी के साथ ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन है और ईवी का बटन है। ईवी इस तरह है कि अगर आपकी बैटरी फुल चार्ज है तो आप ईवी का बटन यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही आप ईवी का बटन प्रेस करेंगे अप टू फ्यू किलोमीटर्स डिपेंडिंग अपॉन योर ड्राइविंग सिस्टम आप इस गाड़ी को टोटली इलेक्ट्रिक चला सकते हैं, ठीक है। उसके साथ 7-स्पीड CVT गेयर बॉक्स है और 2 कप होल्डर्स हैं। सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा गार्बेज पड़ा है। अब मैं इस गाड़ी की बैक सीट्स चेक करवाता हूँ बिकॉज मोस्टली लोगों को ये है कि इसकी शायद बैक सीट्स बहुत ज़्यादा तंग हैं। सो अभी अली ने भी अपनी सीट अपने हिसाब से एडजस्ट कर ली है, मैं जिस पोजीशन पर बैठता हूँ मैंने भी एडजस्ट कर ली है। ये लेदर इंटीरियर पीछे भी है, यहाँ कप होल्डर है और साथ आपके विंडो के कंट्रोल्स हैं। एंड लेट्स सिट इन द कार। ओके, सो मेरी हाइट 6 फुट है और मैं इसके अंदर बहुत एम्पली बैठा हूँ। आप देख सकते हैं कि ये स्पेस इसके अंदर मौजूद है। ऑब्वियसली मैं आगे वाली सीट भी अपने हिसाब से एडजस्ट की थी, उस हिसाब से इसके अंदर लेग स्पेस एम्पल है और साथ ही मेरे कप होल्डर है, आर्मरेस्ट जो कि बहुत ही अच्छी पोजीशन पे है और नीचे एसी वेंट्स हैं और नीचे टाइप सी पोर्ट्स हैं अगर आप देख सकें। और ये बैक रूम है और यहाँ से आगे बैठे हुए ये व्यू आपको नज़र आता है। ट्रस्ट मी, गाड़ी के अंदर अच्छी स्पेशियस स्पेस है, आप बैठे हुए बिल्कुल भी नहीं थकते और इवन मेरा ड्राइविंग पोस्चर जो मेरी बैक सीट्स का है वो भी बहुत एम्पल है। मैं आपको दिखाता चल रहा हूँ तो इसकी सेटिंग्स में ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम का भी है, पार्किंग सेंसर्स का भी है और रियर जो है पार्किंग सेंसर्स उनका एक बकायदा सोनार सिस्टम है, उसके भी कंट्रोल्स अवेलेबल हैं। ओके, सो अब इसकी ड्राइव स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी गाड़ी स्टार्ट है तो इसकी हैंड ब्रेक फुट में है, ये रिलीज़ करेंगे, उसके साथ गेयर बॉक्स डी पे करेंगे एंड देन गाड़ी के अंदर बाहर का बिल्कुल भी शोर नहीं आता, इवन इंजन का शोर भी नहीं आता। रोड सेंसिंग लॉक्स हैं, जैसे ही आप गाड़ी ड्राइव करना शुरू करते हैं डोर लॉक्स हो जाते हैं। एंड ये इसका व्यू है, आपको बोनट बिल्कुल नजर आ रहा है, मतलब विजिबिलिटी गाड़ी की इतनी जबरदस्त है कि यहां से हर चीज नजर आ रही है, बोनट एंड ईच एंड एवरीथिंग, आपको चारों तरफ आपकी टोटल ग्रिप है इसके अंदर। साइड मिरर्स की भी विजिबिलिटी इतनी अच्छी है, बहुत एम्पल साइज है इनका। इस तरह मैं गाड़ी ड्राइव करूंगा ना, इसकी हाइब्रिड मोटर जो है वो उस तरीके से आपको दिखाएगी। अभी बैटरी से पावर जा रही थी, अब इंजन जो है वो एक्टिव हुआ है बिकॉज मैं 60 प्लस जा रहा था। अब जैसे ही गाड़ी मैं 60 प्लस ड्रिवन करूंगा ये गाड़ी जो है एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करने लग जाएगी।
as you can see on your screen. ये था एक टोयोटा क्रोरा क्रॉस का डिटेल रिव्यू. उम्मीद करता हूँ कि आपको रिव्यू पसंद आया होगा. हमारे शोरूम पे रामे मोटर्स विहाड़ी रोड हासिलपुर, यहाँ पे टोयोटा क्रोला क्रॉस के तकरीबन हम लोगों ने 3 वेरिएंट्स बुक करवाए हैं और तीनों की गाड़ियाँ अवेलेबल हो जाएंगी. और अगर किसी कस्टमर को लेनी हो तो वो कॉन्टैक्ट कर सकता है. यू नो वे टू कम.